बोलो बजरंगबली की जय। आज मैं निधि गर्ग आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मंगलवार व्रत की विधि। यह व्रत मंगलवार को रखा जाता है। यह हनुमान जी का व्रत है। इस दिन शाम के समय हनुमान जी का पूजन करने के बाद एक बार भोजन करना होता है। पूजन में लाल फूल और मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं। भोजन में मीठी चीजें ही खाई जाती हैं। मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। इसके करने से भक्त के रक्त विकार दूर होते हैं, उसको राज सम्मान और पुत्र की प्राप्ति होती है। मंगलवार के व्रत की कथा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण युगल रहता था। उसके सब कुछ था मगर संतान नहीं थी। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। काफी सोच विचार के बाद ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल चला गया और घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। फलत ब्राह्मणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान का भोग ना लगा सकी। इसका उसको बड़ा खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी का भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसे मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, तुमको मैं यह मंगल रूपी बालक दिए जा रहा हूँ, तू इसे अपना पुत्र मान ले, यह तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आया। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्राह्मणी को उसका परिचय पूछा। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि यह हनुमान जी का प्रसाद है, तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं आया। उसने समझा कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए यह अपनी मनगढ़ंत कथा सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी के चरित्र पर संदेह करने के कारण दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब वह घर लौटा तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ ही संदेह करते हो, वह सती साध्वी महिला है, मंगल मेरा वरदान है, उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। श्री हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बन से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके नित न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनस जीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोर जमकारे,
अही रावण की भुजा उखारी, बाएं भुजा असुर दल मारी, दहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लाचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। बोलो बजरंगबली भगवान की जय।